इन दिनों बुलडोजर की चर्चा पूरे देश में है। यूपी से लेकर दिल्ली एमपी तक बुलडोजर अवैध निर्माण ढा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में भी बुलडोजर एक्टिव हो गया है। नीतीश सरकार के बुलडोजर शराब माफियाओं की शराब भट्टियों पर चले हैं। दरअसल हाजीपुर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि राघोपुर दियारा इलाके के सुकुमारपुर और तेरसिया गांव में बड़े पैमाने पर देसी शराब की भट्टियां लगाई गई हैं। बेखौफ शराब माफियाओं ने नदी के किनारे रेती पर देसी शराब की 32 भट्टियां लगा रखी थी। इसकी सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग ने बुलडोजर और ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचकर छापा मारा। छापेमारी में करीब 600 लीटर देसी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को देखते ही सभी शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग के साथ पहुंची पुलिस विभाग ने सभी फैक्ट्रियों को तहस नहस कर दिया। बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। हाजीपुर उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि किसी भी कीमत पर अवैध तरीके से शराब का निर्माण और खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं। हमें सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से शराब बनाया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे दियारा क्षेत्रों में काफी बड़े पैमाने पर शराब बनाया जा रहा है और उसकी सप्लाई की जा रही है। तो उसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया और जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ हमारी टीम वहाँ छापामारी दिन भर आज की है। छापामारी के क्रम में करीब 600 लीटर चुलाई शराब जब्त किया गया है। करीब 62,000 लीटर जावा गुड़ वहाँ विनष्ट किया गया। अब आप देखे होंगे वीडियो में कि जेसीबी से कैसे वो ड्रम को निकाला जा रहा है जमीन में जो गड़ा हुआ है। और ये क्षेत्र है तेरसिया दियारा गंगा किनारे का क्षेत्र है, सुकुमारपुर दियारा एवं कछारपुर का क्षेत्र है। कितने दृढ़ संकल्पित हैं कि हम अवैध शराब का भंडारण या फिर बिक्री या फिर उसका निर्माण हम रोक कर ही रहेंगे। बता दें कि बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद भी बिहार में देसी शराब फैक्ट्री और बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी का खुलासा होता रहता है।